हेलो माय डायमंड आर्मी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं एक एक्सपेरिमेंट करूंगा सीमेंट के ऊपर। दोस्तों एक मैंने रिसर्च पेपर पढ़ा था कि अगर सीमेंट को 60 दिनों तक किसी एसिड के साथ रखा जाए तो दोस्तों वो खराब हो जाती है, दोस्तों उसका रंग बदलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों अगर मैं एक ऐसी सीमेंट लूँ जो कि कहीं पर भी इस्तेमाल ना की गई हो, यानी पाउडर की सूरत में हो, और उसके अंदर एसिड डाल दूँ तो फिर उसका कलर किस तरह से बदलेगा और किस तरह से उसका रिएक्शन होगा। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें मैं आज करके देखने वाला हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, बाकी चीज़ें आपको वीडियो में आगे पता लगने वाली हैं। चलिए इस एक्सपेरिमेंट को करके देख लेते हैं। प्लीज सब्सक्राइब मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट्स। दोस्तों मेरे पास मौजूद है एक प्याला। अब बारी आएगी पहले इंग्रेडिएंट की। दोस्तों यहाँ पे मौजूद है मेरे पास सीमेंट। ये बनता है कैल्शियम से, सिलिकॉन से, एल्युमिनियम से और आयरन से। दोस्तों इस प्याले के अंदर अब सीमेंट को डाल दूंगा। अब बारी आती है अगले इंग्रेडिएंट की। दोस्तों इसको कहते हैं गंधक का तेजाब। इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। हम तो पैदाइशी साइंसदान हैं, आप ये घर पर ट्राई करने की कोशिश मत करिएगा। दोस्तों इसको सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। इसको डाल के आप वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में देख पाएंगे। दोस्तों अब इसमें थोड़ा सा चमचा में चला के देख रहा हूँ, यहाँ पे ये बिल्कुल इस तरह से हो गया जिस तरह से कोई पेस्ट होता है। तो दोस्तों इसमें अभी और चीज़ें भी डलेंगी। दोस्तों इसके अंदर गर्मी इस कदर बनी थी कि ये प्लास्टिक का चमचा मेरा पिघल गया। ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये बिल्कुल खींच रहा है। थोड़ा सा दोस्तों इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड और डाल रहा हूँ। अब दोस्तों देखिए सीमेंट थोड़ी सी मजबूत होना शुरू हो गई है, यानी ये डले की सूरत में आ गई है। दोस्तों इसका कलर भी बदल गया है कुछ कुछ, यानी कि कुछ कुछ जगहों से ये सफ़ेद हो रही है। अब दोस्तों इसमें पानी डाल रहा हूँ और रिएक्शन को हम मुकम्मल कर देते हैं। प्लीज सब्सक्राइब मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट्स। दोस्तों यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, यानी गर्मी भी पैदा हुई, और ये आप देख सकते हैं सीमेंट बिल्कुल वाइट हो गई है और ये वाइट पेस्ट की तरह बन गई है जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है।